अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इट्स मी यमुना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यमुना खान वीलॉग। तो व्यूअर्स, कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? आज मैं आई हूँ लेके रमज़ान की एक बेहतरीन रेसिपी इफ्तार के लिए, और वो है पोटैटो चीज़ बॉल्स, क्रिस्पी क्रंची एंड चीज़ी पोटैटो चीज़ बॉल्स। तो चलें हम करते हैं स्टार्ट और बनाते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं इसमें। सबसे पहले तो मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू ले लिए हैं, और इनको मैंने कर लिया है बॉयल और इनका उतार लिया है मैंने छिलका, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने ले ली हैं ये ब्रेड स्लाइसेस। तो ये ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए हैं, 3 लिए हैं, और इसके मैंने कॉर्नर्स काट दिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो फिर मैंने ले लिया है हरा धनिया और एक हरी मिर्च ली है। मेरी हरी मिर्च काफ़ी तेज़ है, अगर आपकी हरी मिर्च हल्की है तो आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, और मैंने ले लिया है थोड़ा हरा धनिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने ले लिया है सोया सॉस। सोया सॉस मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने ले लिया है सॉल्ट, ये मैंने लिया है हसबे ज़ायका। और ये मैंने ले ली हैं काली मिर्चें, ये मैंने ली हैं 1 टेबल स्पून, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी हरी मिर्चें हल्के टेस्ट की हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है ये, ठीक है। ये मैंने ले लिया है। ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने ले लिया है चाइनीज़ सॉल्ट, और ये मैंने ले लिया है हॉट सॉस यानी चिली सॉस। ओरिगानो है मेरे पास, ओरिगानो आपके पास अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मैंने ले लिए हैं 2 चीज़ स्लाइसेस, चेडर चीज़ स्लाइसेस। आप भी चेडर चीज़ स्लाइसेस ही स्लाइसेस ना लें, आप अगर बार है तो उसको क्रश कर लें। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये ब्रेड क्रम्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा मैंने ले लिया है अंडा, एग, ये मैंने 2 एग लिए हैं। पहले तो मैंने अपने इस चॉपर में मैं जो है वो आलू डालूंगी, जो बॉयल बॉयल पोटैटोज़ हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर थोड़ा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा होगा तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी, इसलिए मैंने इसको बीच में से काट के और मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कर रही हूँ ब्रेड स्लाइसेस ऐड, जो कि मैंने ली थी ब्रेड स्लाइसेस। मैं इनको बीच में से हाफ़ करके भी ऐड, अभी मैंने इसको इस तरह ऐड करी लेकिन फिर मुझे लगा कि ये इस तरह से तो मिक्सअप सही नहीं होगी, तो मैंने इसको बीच में से हाफ़ कर दिया। आप भी इसी तरह करके ऐड कर दीजिए, आप पे डिपेंड करता है आपका चॉपर किस तरह से है। अगर आप चॉपर में नहीं बनाना चाहते तो आप चॉपर में बनाना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये ब्रेड जो है ना वो सही से फिर मैश मिक्सअप नहीं होगी, मैश नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं अब कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्च, ठीक है, जो मैंने एक हरी मिर्च ली थी। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ काली मिर्चें, ठीक है। काली मिर्चें मैं इसके अंदर कर दूँगी ऐड, ये बहुत मज़े के बनेंगे व्यूअर्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस, जीरा पाउडर, बहुत अच्छा इंशाल्लाह इसका टेस्ट आएगा। और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट, अजीनोमोटो, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ओरिगानो। ओरिगानो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ओरिगानो का सिर्फ फ्लेवर ही देना होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं चीज़ स्लाइसेस, आप भी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा जो भी चेडर चीज़ आपके पास है, बार फॉर्म में है, क्यूब फॉर्म में है, जो भी फॉर्म में है आप उसको इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। चीज़ स्लाइसेस थे मेरे पास तो मैंने इसलिए स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। तो व्यूअर्स, आप देखिएगा कि ये बहुत मज़े के बनेंगे, और ये अपनी इफ्तार में ज़रूर बनाएं, ये आपको अच्छे लगेंगे, घर में सबको अच्छे लगेंगे, बच्चों के लिए भी अच्छे होंगे। अगर हरी मिर्चें आप ना डालें और तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। हरी मिर्चें तो मेरे पास एक मैंने इसलिए डाली क्योंकि थोड़ा सा एक फ़्लेवर आ जाता है। अच्छा व्यूअर्स, अब मैंने इसको कर लिया है चॉप, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कर लिया है चॉप अच्छे से, अपनी मशीन में मैंने इसको घुमा लिया और ये मिक्स हो गया,
अब इसको हम इस बोल में निकाल लेंगे, ठीक है, सारा इस बोल में हम निकाल लेंगे। ये सारा का सारा मैंने इस बोल में निकाल लिया है, ठीक है। और अब जो है अब मैं इसकी बनाना स्टार्ट करूँगी बॉल्स, ठीक है। हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, और पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है कप में, ठीक है। हम इसको अपने हाथों पे अच्छे से पानी लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि आलू है, आलू अक्सर चिपकता है। तो बॉल्स बनाएंगे अच्छे से इस तरह कर करके, बिल्कुल अच्छे से चिकनी और बिल्कुल स्मूथ बॉल्स बनाइएगा। कहीं से ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो रही हो, कहीं से कम हो रही हो, इस तरह ना कीजिएगा, ठीक है। फिर हम इस बॉल को डिप करेंगे एग में। मैंने एग में कुछ नहीं डाला, मैंने जो डाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो बैटर मैंने बनाया है इसी में डाला है। मैंने एग में कुछ भी नहीं डाला, आप भी मत डालिएगा वरना नमक तेज़ हो जाएगा। ब्रेड क्रम्स में लगाया अब मैं, ठीक है, एग में लगाएं, ब्रेड क्रम्स में लगाएं। अगर आपका ये सॉफ्ट है बैटर तो एक आप पॉइंट ये कर सकते हैं कि फिर आप अगेन जो है वो एग में लगा के ब्रेड क्रम्स में लगा सकते हैं। उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल जो है वो हार्ड हो जाएगा, ये इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। मेरा नॉर्मल है तो इसलिए मैं वन टाइम ही लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का थोड़ा पतला हो गया है, रनी हो गया है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, रनी अगर हो जाता है तो एक पॉइंट ये भी है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा या मैदा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका ये रनी हो जाए तो थोड़ा सा, ठीक है, और मिक्स कर लें अच्छे से। लेकिन वैसे कोशिश करें कि ये रनी ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर एक दफ़ा एक चीज़ हो जाती है रनी तो फिर उसको हमें सेटल डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने, देखें, वेयर सारे बना लिए हैं और सारे पोटैटो बॉल्स मैंने इस तरह से बना लिए हैं। और मैं इसको अभी करूँगी थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट, लाइक 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको रेफ्रिजरेट करें। फ्रीज़र में नहीं रखना है, नीचे जो हमारा फ्रिज का पार्ट होता है हम इसको वहाँ पर ठंडा करने के लिए रखेंगे, ताकि ये जितने ब्रेड क्रम्स हैं और एग है और जो भी इसके अंदर आइटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाएँ और आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएँ, ठीक है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे अपना जो है वो कढ़ाई में मैंने तेल जो है वो गरम कर लिया है, ऑयल गरम कर लिया है, और मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से 20 मिनट के बाद अब निकाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर से निकाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, यानी ठंडे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो मैं इस तेल में डाल रही हूँ। और तेल बहुत ज़्यादा आप तेज़ आँच पर मत कीजिएगा, वरना ये सारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो बिखर जाएँ, क्योंकि पोटैटो एक ऐसी चीज़ है, पोटैटो जो होता है वो ख़ास तौर पर जब वो मैश हो जाता है तो उसके बाद वो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ तेल में नहीं करते, वो फिर फटने लगते हैं। तो इसको नॉर्मल तेल में करेंगे हम, वैसे तो ये इंशाल्लाह नहीं फटेंगे, लेकिन अगर आप तेज़ तेल में करेंगे तो ये फट जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे फ्राई, और अच्छे से करेंगे इसको फ्राई, और आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं घर में, क्योंकि बच्चों को आप वैसे भी ये दे सकते हैं, नॉर्मल डेज़ में भी आप उनको स्कूल्स वगैरह में जब बच्चे जा रहे होते तो आप उनको लंच के लिए भी इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, और इस तरह से उनको मतलब वो फिर घर का आइटम भी उनको मिल जाता है ख़ास तौर पर, और हमें तो बच्चों को देना ही घर का आइटम चाहिए, बाहर के आइटम से थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। तो इस तरह से देखें ये पोटैटो बॉल्स जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो रही हैं, और जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होंगी, थोड़ा अभी तो ये हो रही हैं गोल्डन, लेकिन थोड़ा इस तरह से ब्राउनिश टाइप जो इनका आएगा, देखें इस तरह से जो इनका कलर आया है, मैं अब इनको पलट रही हूँ। अच्छा देखें, जब मैंने पोटैटो बॉल्स इसके अंदर ऐड करी तो मैंने चमचा नहीं चलाया, मैंने एक पार्ट उसका अच्छे से होने दिया। जब उसका पार्ट हो गया तो फिर अब मैं इसको जो है वो टर्न कर रही हूँ, अब मैं इसको पलट रही हूँ। आप भी इसी तरह कीजिएगा, अगर आप पहले से ही चमचा चला देंगे तो वो टूट जाएंगी, ठीक है। अब वो इस पॉइंट पर आ गई हैं कि वो टूटेंगी नहीं, ठीक है। अब देखें इस तरह का कलर आ रहा है, इसी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे और ये बेहतरीन फ्राई होंगे। देखें ये कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने बना लिए हैं पोटैटो बॉल्स, क्रिस्पी क्रंची चीज़ी पोटैटो बॉल्स, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। और ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं, ये बहुत यमी हैं। ये आप बनाएं, एक बार ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके घर में सबको कैसे लगे और सबको किस तरह के लगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़, आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और
इंशाल्लाह ताला आऊँगी जल्द मज़ीद रमज़ान रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक अल्लाह हाफिज़।